मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा नई दिल्ली में जारी घोषणा पत्र केवल मात्र छलावा है एवं लोगों को भ्रमित करने वाला घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र का एकमात्र उद्देश्य लोक लुभावने वायदे कर सत्ता को हथियाना है, क्योंकि कांग्रेस नेता सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं और अब उनकी छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोग कांग्रेस के इस झूठ के पुलंदे से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता भलीभांति जानती है कि कांग्रेस की कथनी व करनी में कितना फर्क है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित है, जो समय समय पर अपने बयान बदलते रहते हैं, इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु देश से गरीबी तो नहीं हटी, परंतु अनेक औद्योगिक घराने फली फुलित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 72,000 रुपए सालाना देने की घोषणा केवल मात्र चुनावी स्टंट है, जो निर्धन लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2009 में भी नारा दिया था, आम आदमी के बढ़ते कदम हर कदम पर भारत बुलंद, परंतु सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था व भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर भारी गिरावट आई थी। उन्होंने कहा था इसी प्रकार वर्ष 2014 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस एकमात्र विकल्प, परंतु देश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस को 44 सीटों का दल बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वायदा किया गया है, परंतु वास्तविक में ये 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस ने महिलाओं के कल्याण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 2030 तक गरीबी हटाने का वायदा भी हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये नारा लगभग 45 वर्ष पहले भी दिया जा चुका है। उस दृष्टि से मंडी में भी हुआ है, लेकिन जो सपना सुखराम जी ने देखा है वो पोते जी के जिम्मे उन्हें साकार करने के लिए दिया है, और दोनों ने जो है दादा और पोते ने मिलकर के जो है वो अनिल शर्मा का जो भविष्य दांव पर लगा दिया है, इस पर थोड़ा सा उनको रहम जरूर। आखिरकार अनिल शर्मा पंडित सुखराम जी का बेटा है, उनको सोचना चाहिए था कि मेरे बेटा विधायक है उस पार्टी से जिसकी सरकार है, और मंत्रिमंडल में है जिस मंत्रिमंडल में जो है मंडी से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उनने बहुत संकट में अपने ही सुखराम जी ने अपने बेटे को डाला और आश्रय ने अपने पिता को डाला है, तो उनका समाधान परिवार से निकलना चाहिए। हम उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं, जिस प्रकार की सारी बातें होंगी उसके बाद कार्यवाही होगी। लेकिन देखिए, हमने सीधी सी बात कही, अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, वो भाजपा के सदस्य हैं वर्तमान और मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री के नाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमने उनको कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें, और प्रचार करने के लिए उनने कहा कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, सोचेंगे अगर और भेजना होगा तो और जगह भेजें। लेकिन प्रचार के लिए अगर मना कर रहे हैं तो क्या कदम उठाएगी बीजेपी? देखिए, प्रचार उनको पार्टी का करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा के सदस्य हैं ऐसी परिस्थिति में, लेकिन उसके बावजूद अगली प्रतिक्रिया हम तभी देंगे, वो उनके विवेक पर हमने छोड़ा कि वो क्या निर्णय।